आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन और एक एथलीट पर्सन को कितने एमजीज को यूज करना चाहिए ओमेगा 3 को। हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में होना हमारे शरीर में अच्छा माना जाता है। यदि किसी न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में कमी हो गया तो बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं, या उस न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज हो गया, उसकी कमी को पूरी करने के लिए यदि हम उसको ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल माना गया है। ऐसे में हम एक पोषक तत्व जो कि ओमेगा 3 के नाम से जाना जाता है, इस पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ओमेगा 3 जो होता है ये हमारे बॉडी में शरीर में हार्ट को, बोन्स को, यहाँ तक कि आइज़ को, स्किन को, हेयर को, इन सभी के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन और एक एथलीट पर्सन को कितने एमजीज को यूज करना चाहिए ओमेगा 3 को। तो यदि आप सामान्य जीवन शैली जीते हैं तो ओमेगा 3 के जो डोज हैं वो 700 से लेकर 1000 एमजी तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, और यदि जिम वगैरह जाते हो, एक एथलीट पर्सन हो, तो आपको इसे कम से कम 1500 एमजी तक तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दोस्तों, ओमेगा 3 जो है ये फैटी एसिड होता है और ये हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाता है, इसलिए इसे बाह्य स्रोतों से हमें लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ओमेगा 3 के जो स्रोत हैं वो दो तरह के स्रोत हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। वेजिटेरियन में आपको नट्स हो गए, अखरोट हो गए, अलसी हो गया, तेल वगैरह हो गया, जैसे सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और सब्जियां हो गए जैसे फूल गोभी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गए, ये सब जो है ओमेगा 3 के नेचुरल सोर्स इन्हें कह सकते हैं, वेजिटेरियन सोर्स कह सकते हैं। इसके अलावा यदि नॉनवेज सोर्स की बात करें तो जैसे अंडा हुआ या मछली हुआ, ये इसके नॉनवेज सोर्स हो गए। मछली में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाए जाते हैं, और आप ऐसे मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट भी इसके आ रहे हैं, जैसे फिश ऑयल के नाम से भी इसका प्रोडक्ट आता है। तो अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं नॉनवेज होते हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन लोग नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे में हम कौन से प्रोडक्ट्स को लें जो कि वेजिटेरियन पर्सन भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो मार्केट में वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी आते हैं, यदि आपको उन सब प्रोडक्ट की जानकारी अगर चाहिए जो वेज पर्सन है, कौन से ओमेगा 3 को हम इस्तेमाल करें, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी ओमेगा 3 से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि समय समय पर जब भी मैं न्यू अपडेट्स अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।